होता ही है, आपको पता ही है, चाचे मामे मतलब दिखाते तो है बट आपको पता ही है। बट गोल्डन रूल यहीं पर है कि हमारे का मैप ट्रैजेक्टरी आ चुका है आपके सामने, जो लाल और सफेद रंग की पट्टी है वो है हमारे मैप का रोड। हवा से जाएगा, रोड पे नहीं जाएगा ये, बट ये यहाँ पर प्रिमोस के जस्ट ऊपर से निकलेगा, गटका पुचिंगी स्कूल मैंशन से निकलता हुआ सीधा लिपॉप का के नॉर्दर्न एरिया के अंदर लैंड करेगा। यहाँ पर गॉर्डन जल्दी उतर के मेरे ख्याल से जल्दी से गाड़ी लेकर अपने यशनाय पे जाएंगे, कॉज सेकेंड ड्रॉप के पास लास्ट टाइम इंसेन थी हॉस्पिटल के आसपास, दिक्कत हो सकती है। लास्ट गेम के अंदर पॉइंट्स उन्होंने कमाए, उन सेकंड आए थे, बट उसके अंदर किस्मत भी बहुत बड़ा फिर से रोल निभा रही थी, बिकॉज क्लच का वो हील करने का टाइम, नियो का वहां से एस्केप, वो सब ऐसा कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें आप अपने हिसाब से चलाओगे तभी जाके एक अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे। बट सारी टीम मुझे लगता नहीं कोई चेंज करेंगी यहाँ पर, आरई स्पोर्ट्स में भी शायद कुछ कर सकती, नो डाउट दे आर गोइंग टूवर्ड्स द मिलिट्री, वहां से गाड़ी लेके दे विल बी अटैकिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स नोवा रिपनॉय। भाई मिलिट्री बेस को वेटेज मिल चुकी है, जॉर्जियापुल को मिल चुकी है, मैप के हर कोने को वेटेज मिल चुकी है, अभी तक एक जोन एक जगह रह गई है, नोवा रिपनॉय को अभी तक किसी ने नहीं पूछा है। क्या हमें एक नोवा रिपनॉय का सर्कल देखने को मिल सकता है? वो तो कुछ क्षणों में आपके सामने आएगा। एक झूठा दिलासा है ये, नोवर अपने को थोड़ा सा ले रहा है बट मूविंग लेटर खत्म सारा उधर जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए नो, ये मेरे हिसाब से आई थिंक पोटैटो हिल के आसपास रहना चाहिए, एक्चुअली पोटैटो हिल उससे थोड़ा नीचे की तरफ कोई ना ये सर्कल जा सकता है। अब यहाँ पर फिर से जैसे कि आपने यू नो कॉन्वर्सेशन करी, यस आरई स्पोर्ट्स को मूव करना पड़ेगा, केमिन को मूव करना पड़ेगा, इन टीमों को तो ऊपर आना है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि एक दो सर्कल ये लोग यहाँ पर रहें इंक्लूडिंग दिस वन, और उसके बाद फिर यू नो इनको दिक्कतें हो। गॉडलाइक सर्कल के अंदर आने के लिए काफ़ी सीधी सी जगह है, उनको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ब्लाइंड, अब ब्लाइंड को हमने कभी कभी यू नो देखा है कि वो बहुत स्लोली मूव करते हैं, और यहाँ तो सर्कल का टेक्निकल सेंटर उनके पास है, तो आराम से लाइक ना भी मूव करें, बस उनको पोचिंग के डिफेंड करना है, कोई और आ ना जाए वहाँ पर, जो कि एक सही चीज़ रह सकती है। टीम एनिग्मा फॉरएवर के खिलाड़ियों की बात करें, थोड़ा सा पैनकेक से पोटैटो हिल तक का एरिया ये लोग लूट रहे हैं, ओआर के प्लेयर्स थोड़ा एक अलग स्प्लिट में, वो भी एक चीज़ रहेगी, बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के मान्य ऑल राइट, उनकी कोशिश थी थोड़े बहुत शॉट्स यहाँ पर बरसाने की, बट ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। अपनी एक व्हीकल उठाएंगे और आराम से बस यहाँ से आगे चलते नजर आएंगे। Presenting winner winner Swiggy dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. So, अभी तो गेम की शुरुआत हुई है, जैसा ओशन बोलते हैं जो फोर पिलर्स हैं उनमें फोकस चल रहा है, पहले फेज के अंदर ये लैंडिंग हो चुकी है, अब लूटिंग फेज चालू है यहाँ पर। नियो यूजली हमें गॉडल हमेशा कंटेनर के आसपास दिखती है, बट ये एरिया जो रिस्की है, बिकॉज इससे पहले इंसेन भी थोड़ी देर पहले पहली गेम के अंदर हमें दिखी थी, तो इस बार जो हमारी गॉडलाइक है वो थोड़ा सा लूट ओरिएंटेड खेलना पसंद करिए, बिकॉज चार मिनट हो चुके हैं, मूवमेंट अभी तक किसी की दिखी नहीं है, और उनका जो जोन था वो भी मैप ट्रैजेक्टरी से ज़्यादा दूर तो नहीं था। बट यस, आपको याद दिला देता हूँ मैं कि स्पॉटिफाई पे क्रेजी यहाँ पर गेमिंग ट्रैक्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है, ज़रूर चेकआउट करें, और वो भी मुफ्त है भाई, इतना बड़ा बड़ा लिखा फ्री, और मेरे हिसाब से इंडिया में कोई फ्री चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। और मेरा पॉडकास्ट भी है, देखिए अगर आप वो सुनेंगे ज़रूर, आज भी मुझे काफ़ी स्टोरी मेंशन आए थे, अगर आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली स्टोरी मेंशन कीजिए, कुछ कुछ चीज़ें उसके अंदर यू नो हम लोगों ने गेमिंग की भी बात करी और उसके बाद की यू नो जिंदगी की भी बात करी, बहुत बहुत अच्छा पॉडकास्ट मुझे लगा यहाँ पर ये बना करके मिथपैट के साथ, एंड ट्रस्ट मी इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब देखना यह है कि इस गेम में वो 15 पॉइंट का एक्सपीरियंस कौन लेगा। यह इट इज, और जो ओशन का पॉडकास्ट है वो भी फ्री है, देन व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, मे बी यू लाइक इट, और उसके बाद आप हमें थैंक कर सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पे। बस या गेम में आ जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर अकेला जैसी है और आसपास के छोटे मोटे कंपाउंड के अंदर इंसेन की पूरी टीम लूट करते हुए दिख रही है। एक बार स्कोरबोर्ड भी देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे ऊपर एक जोन को प्रॉब्लम नहीं है, जो टीम है ना ऊपर की पांच छह इनको तो कोई इशू नहीं, बिकॉज दे ऑलरेडी मेकिंग अ वेरी नाइस अटेम्प्ट। ओ टीम इंसेन 183 पॉइंट्स, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, बिकॉज मैं इनको अभी तक थोड़ा क्वालिफाई एक्सपर्ट बोल रहा था, बट इन्होंने वीकेंड्स के अंदर भी काफी अच्छा खेला एंड अच्छी पोजिशन पे है ये। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू Hyundai Venue. कल मैं और ओशन भी यही चर्चा कर रहे थे कि आज के टाइम पे देश में जो टॉप टीम्स हैं उनके जो प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं अपने करियर में एक टाइम उन्होंने इंसेन में ज़रूर बिता रखा है, तो इंसेन वो एक मैं बोल सकता हूँ, कहते हैं ना वो कोयले की खान में हीरा ढूंढते हैं, वो हीरा एक बार जब पूरा चमक जाता है तो कोई और चला जाता है, कोई नूर, समझ रहे हो। बट हाँ, इंसेन एक वो लाइनअप है, एक वो मतलब आई डोंट नो वो क्या प्रोवाइड करते हैं उस प्लेयर को कि वो इतना अच्छा बन जाता है कि उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है, वो फाउंडेशन वो बेसिक्स पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट इनसेन, लाइक ये यू नो कुडोज टू यू नो जो टीम ओनर्स हैं डेविड एंड आरू, जिस तरीके से वो पूरा न्यूचर कर रहे हैं प्लेयर्स को, इट्स कमेंडेबल, इट्स वेरी गुड। एंड वहीं पर अगर हम लोग आगे की अब बात करें, देखिए टीम एनिग्मा फॉरएवर के 420 OP हमारी स्क्रीन के ऊपर, पूरी टीम इनफैक्ट धीरे धीरे
आसपास के इलाकों में जाती नजर आ रही है, थोड़ा बहुत लूट करते वो लोग नजर आ रहे हैं। केमेन के खिलाड़ी डेल्टा पीजी की एचपी कम हुई है, अभी क्यों होगा, क्या लगता है चलती गाड़ी से गिरे हैं, क्योंकि इनके आसपास कोई और तो होगा नहीं सिवाय आर स्पोर्ट्स के हीरो के, बट वो भी थोड़ा सा दूर है, तो मुझे लगता है शायद चलती गाड़ी से काफी जल्दी ये उतर गए थे और उसके कारण इनकी एचपी कम हुई है। अब देखना यही है कि कैसे बढ़ेंगे आगे। ये मिलिट्री बेस लूट करने का बहुत सिंपल सा एरिया है, बहुत सिंपल आइडिया होता है कि जो आपकी बिल्डिंग्स होती है सी टाइप, वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये देखिए ब्लाइंड के डेडपूल को स्पॉट करा है गमला बॉय ने, क्या यहाँ पे एक पोटेंशियल फाइट हम को देखने को मिल सकती है। बट नहीं, डेडपूल ने इंस्टेंटली यू टर्न लिया एंड ही इज मूविंग बैक टू द पोचिंकी विलेज और थोड़ी देर बाद शायद हमें फाइट देखने को मिल सके। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. देखिए जब भी गेम खत्म होता ना मेरा एक छोटा सा काम रहता है, वो था कैमरा उठा करके प्लेयर्स के पास चले जाना, उनसे बातें चीतें करना क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं स्काइलाइट्स के खिलाड़ियों से पूछ रहा था, मैंने कहा दो गेम्स हो गए तुम लोग इन दोनों गेम्स में #2 आए हो, तो फिर अब वो चिकन डिनर कब लेना है। पुकार ने बोला आज हमें चिकन डिनर नहीं लेना है, अगर कुछ भी हो गया ना हम #2 पर भी आकर के आज खुश हैं, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि फाइनल जोन्स के राउंड हम लोग फाइट्स कितना किस तरीके से लेते हैं किस तरीके से नहीं लेते हैं। हमारा मेन काम अभी है कि उस तरीके से खेलना कि फाइनल जोन्स के राउंड हमारे सारे खिलाड़ी पहुंच सकें, विच इज अ डिसीजन जो कि उन्होंने लिया है। खैर और वैक्सी का वापस आना भी यहाँ पर टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका है, पिछले गेम में भी हमने देखा उनका योगदान था, उससे पहले में भी उनका योगदान था, सो वैक्सी का एडिशन वापस से काफ़ी सही रहा है। बोल रहे थे आज ये प्लेयर्स बोल रहे हैं कि पिछले कल के दिन हमने जितने गेम्स खेले हमारे 17 पॉइंट टोटल बन रहे थे, ऐसा ये लोग बोल रहे थे। और मैंने बोला आज तो खैर ये दो गेम में तुम्हारे 24 प्लेसमेंट से ही बन गए, तो लाइक एक एक्स्ट्रा प्लेयर का होना भी देखिए कभी कभी बड़ा फायदा दे देता है। स्कारलेट का जो पोजिशन गेम प्ले है दैट जिस तरीके से वो पोजिशन पॉइंट उठाते हैं वो तो हमेशा से काफ़ी बेहतरीन रहा है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जो उनको थोड़ा Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. देखिए जब भी गेम खत्म होता ना मेरा एक छोटा सा काम रहता है, वो था कैमरा उठा करके प्लेयर्स के पास चले जाना, उनसे बातें चीतें करना क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैं स्काइलाइट्स के खिलाड़ियों से पूछ रहा था, मैंने कहा दो गेम्स हो गए तुम लोग इन दोनों गेम्स में #2 आए हो, तो फिर अब वो चिकन डिनर कब लेना है। पुकार ने बोला आज हमें चिकन डिनर नहीं लेना है, अगर कुछ भी हो गया ना हम #2 पर भी आकर के आज खुश हैं, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि फाइनल जोन्स के राउंड हम लोग फाइट्स कितना किस तरीके से लेते हैं किस तरीके से नहीं लेते हैं। हमारा मेन काम अभी है कि उस तरीके से खेलना कि फाइनल जोन्स के राउंड हमारे सारे खिलाड़ी पहुंच सके, विच इज अ डिसीजन जो कि उन्होंने लिया है। खैर और वैक्सी का वापस आना भी यहाँ पर टीम के लिए काफी ज्यादा सही हो चुका है, पिछले गेम में भी हमने देखा उनका योगदान था, उससे पहले में भी उनका योगदान था, सो वैक्सी का एडिशन वापस से काफी सही रहा है। बोल रहे थे आज ये प्लेयर्स बोल रहे हैं कि पिछले कल के दिन हमने जितने गेम्स खेले हमारे 17 पॉइंट टोटल बन रहे थे, ऐसा ये लोग बोल रहे थे। और मैंने बोला आज तो खैर ये दो लड़ों से पूछ रहा था, मैंने कहा दो गेम्स हो गए तुम लोग इन दोनों गेम्स में #2 आए हो, तो फिर अब वो चिकन डिनर कब लेना है। पुकार ने बोला आज हमें चिकन डिनर नहीं लेना है, अगर कुछ भी हो गया ना हम #2 पर भी आकर के आज खुश हैं, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि फाइनल जोन्स के राउंड हम लोग फाइट्स कितना किस तरीके से लेते हैं किस तरीके से नहीं लेते हैं। हमारा मेन काम अभी है कि उस तरीके से खेलना कि फाइनल जोन्स के राउंड हमारे सारे खिलाड़ी पहुंच सके, विच इज अ डिसीजन जो कि उन्होंने लिया है। खैर और वैक्सी का वापस आना भी यहाँ पर टीम के लिए काफी ज्यादा सही हो चुका है, पिछले गेम में भी हमने देखा उनका योगदान था, उससे पहले में भी उनका योगदान था, सो वैक्सी का एडिशन वापस से काफी सही रहा है। बोल रहे थे आज ये प्लेयर्स बोल रहे हैं कि पिछले कल के दिन हमने जितने गेम्स खेले हमारे 17 पॉइंट टोटल बन रहे थे, ऐसा ये लोग बोल रहे थे। और मैंने बोला आज तो खैर ये दो गेम में तुम्हारे 24 प्लेसमेंट से ही बन गए, तो लाइक एक एक्स्ट्रा प्लेयर का होना भी देखिए कभी कभी बड़ा फायदा दे देता है। स्कारलेट का जो पोजिशन गेम प्ले है दैट जिस तरीके से वो पोजिशन पॉइंट उठाते हैं वो तो हमेशा से काफी बेहतरीन रहा है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जो उनको थोड़ा सा जैसे उन्होंने बोला कि लास्ट जोन के अंदर पूरा मैन एडवांटेज बनाना, आखिरी तक चारों पेयर को जीवित रखना इंटैक्ट रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर ये चीज में भी थोड़ी महारत हासिल हो जाए देन व्हाई नॉट, एक बहुत बड़ी कंसिडरेबल लीड आप क्रिएट कर सकते हैं अपने अपोनेंट्स के साथ। बिकॉज हर मैप के अंदर आपका जो एम होना चाहिए वो बेसिक पॉइंट्स होना चाहिए, 10 पॉइंट आपके क्वालिफिकेशन के लिए मदद करते हैं, बट द मोमेंट आपको क्वालिफिकेशन से ज्यादा बढ़ना है, आगे बढ़ना है और ट्रॉफी उठानी है, आप 10 को 15 कर दो 16 कर दो और उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। 16 पॉइंट हर गेम में मतलब आपने टॉप 5 फिनिश किया, आपके पास 7-8 फिनिशेज हैं, तभी कुछ आप कुछ कर सकते हैं और वो बहुत ज्यादा होता है। और ये चीज कंसिस्टेंट रखना थ्रू आउट द होल टूर्नामेंट लीग्स इट्स नॉट इजी, नॉट एट ऑल इट इज नॉट एट ऑल इजी, बट अब देखते हैं कि किसके लिए ये लॉबी अब इस गेम में इजी होगी और किसके लिए होगी डिफिकल्ट। वॉचिंग अ फायर मैच, नाउ फीस्ट ऑन अ फायर मील, ऑर्डर अ विनर डिनर फ्रॉम स्विगी। इस पूरी सिचुएशन में अब एफएस के खिलाड़ी हमारी स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें से आप एक्सप्लिसिट को देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ को गए हैं। ये जो इलाका है देखिए, एक साइड पर आप यहाँ से
थोड़ा स्कूल तक को देख सकते हैं, थोड़ा आगे कोचिंग की तक को देख सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन इन दोनों एरियाज के अराउंड आप टीम्स की उठा सकते हैं अगर आप लोग उठाना चाहें। मतलब FS ने एक्चुअली बहुत अच्छे से एरिया को होल्ड कर लिया, सर्कल में भी है, किफ़ायती है, और वहीं पर फाइट्स अगर हुई तो सही हो सकता है। थोड़े बहुत शॉट्स दे रहे हैं किसी की US को, और अब बग्गी भी जाती नजर आ रही है, उस बग्गी का एक टायर बर्स्ट हो रखा है जो आप देख सकते हैं, वो चिंगारी जो निकल रही है वही चीज़, और जब उन्होंने बग्गी पर देखा तो वो US भी निकल चुके हैं साइड से। तो एक चीज़ को वो सोच रहे थे बट वहीं पर दूसरी चीज़ को भी वो गवा बैठे, बट अब आगे का देखते हैं। अभी मैं यही देख रहा था कि जो टीम्स है किस तरीके से रोटेट करेंगी, बट सर्कल अभी भी एक दिलासा देते हुए मिलिट्री बेस की जो टीम्स है उनको, जैसे आपकी कैमिनी स्पोच होगी, सातारी होगी, कि भाई नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद जोन आ सकता है मिलिट्री की तरफ से, बट ऐसा नहीं होगा, हम सबको पता है ओजी ने अभी भी एक अच्छा एंगल होल्ड कर रखा है। अगर उनको 12 पैक का यहाँ पे कंट्रोल मिल जाए ओशियन, देन आई थिंक दे कैन हैव अ नाइस एडवांटेज पॉइंट, वहाँ से वो एक्सक्लूड करके अच्छा खेल सकते हैं। बट लेट्स सी, उससे पहले कोई और टीम वहाँ पे अप्रोच करना चाहती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा टीम इस वक्त कोचिंग की से क्रॉस कर शोर की तरफ जा रही है, जहाँ पर ब्लाइंड गॉडल भी वहीं जा रही है, बट यहाँ पे शैडो पे थोड़े से शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, एक आधी बुलेट हिट भी हुई, बट इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एटलीस्ट इसी बहाने उनको इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है कि यहाँ से कोई गोलियां आई हैं, यहाँ पे प्लेयर्स हो सकते हैं, यहाँ से खतरा है। गॉडलाइक के खिलाड़ी अभी भी शॉट्स लेना तो चाहेंगे, वो देखना चाहते हैं अगर कोई उनको मिल जाए, एंड डेफिनेटली द डैमेज इज बीइंग डन, थोड़ा सा हुआ था। अब उनका विजन आप देखिए, वो चर्च की साइड पर भी एक बार के लिए गया, वो जानना चाहते हैं हर एक एंगल को जानना चाहते हैं। इस बार गॉडलाइक कोई दिक्कत के अंदर फंसना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर अभी एलिमिनेट हुए तो जो यू नो मोमेंटम तीन गेम्स का बना है वो टूट जाएगा, वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ टूटे, ऐसा कुछ खराब हो। हर हफ्ते के प्राइजेज हैं, गॉडलाइक ने इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी करी है, अब अंत भी अच्छा कर सकें तो क्या ही कहने रहेंगे, बट अभी के लिए गॉडलाइक खिलाड़ी आगे जा रहे हैं। वो जो एग्रेशन की आपने कुछ टाइम पहले बात करी कि मुझे वो वाली गॉडलाइक दिखनी जो एग्रेशन के लिए जानी जाती है, शायद उस चीज़ की शुरुआत हो सकती है, बट कितनी देर में, क्योंकि नियो आगे की तरफ को गए हैं, जीओ आगे की तरफ को गए हैं, बट स्काइलाइट्स के खिलाड़ी शायद यहां से अपने आप को भी वो रीपोजिशन करते नजर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत पोजिशनल प्ले ऐसे हिल्स के अराउंड पहली चीज वही रहता है आपको बनाना है, सीधा आप नहीं जा सकते, आपको इन छोटी छोटी हिल्स के अराउंड घूमना पड़ता है ताकि आप थोड़ा बहुत इन्फो ले सके। बट दूसरे साइड एनिग्मा के एगी का एक ग्रेनेड जाता है, एनिग्मा गैलेक्सी को दिक्कत देता हुआ। अभी जो फाइट होने वाली थी हो सकती थी, तो पोटेंशियल फाइट वो तो चलती रहेगी, बट इस फाइट के अंदर ये देखिए बैक टू बैक यहाँ पे ग्रेनेड का यूज होता हुआ जा रहा है। एनिग्मा के पास ग्राउंड फ्लोर है, उनको पता है कि इस वक्त जितनी भी टीम फर्स्ट फ्लोर पे प्रेजेंट है उनको यूटिलिटीज करके ही यहाँ पर पिन डाउन कर सकते हैं, बिकॉज बहुत क्रेजी क्लोज एंगल हो सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए जो पुश किया नियो ने, काफी ज्यादा ओपन किया जाते हैं, कंप्लीटेड इट, बट एक रिटेलिएट करते हैं। ये देखिए नॉक प्लेयर पे इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है यहाँ पर, अगर डेक्सी को नॉक करके परेशानी होगी, सर 2v3 सिचुएशन हो सकती थी यहाँ पर, बट स्कारलेट के दो प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, डेक्सी क्या प्लेयर को खत्म करेंगे, बट गमला बॉय भी आसपास है और वो भी यहाँ पर परेशानी में दिख रहे हैं। उससे पहले कुछ करेंगे, आदि ने शैडो ओजी का जो फिनिश था अपने हिस्से में डाल दिया, वैक्सी की मेहनत कोई और खाता हुआ दिख रहा है। अब वहां पर जोनाथन भी है, ये भी एक कहानी है। अभी भी थोड़ी देर पहले ओशन ने बोला था कि गॉडल का मोमेंटम खराब हो जाएगा, बट अब मुझे लगता है मोमेंटम बचानी है यहाँ पर। MJ यहाँ पर, ड्रीम्स, एवरीवन इस छोटे से कंपाउंड के अंदर बहुत सारे कैजुअलिटीज गिरने के लिए रेडी है। Oh my God, वो एक अलग फाइट, ये एक अलग फाइट, ऑलरेडी ये वाला एंगल काफी ज्यादा हीट अप हो चुका है। अब देखना ये कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि विक्सी जो है वो ग्लोबली स्पोर्ट्स से फाइट ले रहे हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं, लेकिन उनके लिए मुश्किलें बन चुकी है क्योंकि रॉनी उनको डाउन करते नजर आएंगे। नकुल भी इस जगह पर, एक घर में तीन टीमें नहीं रह सकती हैं, किसी दो को या तो हटना पड़ेगा या खत्म होना पड़ेगा। ड्रीम्स, उनके लिए दिक्कतें बन सकती हैं, अभी नीचे की तरफ को कूद करके आ चुके, उनकी HP बहुत ज्यादा कम है तो मुश्किलें उनके लिए भी बन जाएगी। एगी भी थोड़ा सा पीछे की तरफ को आ चुके हैं, एनिग्मा के पास चांस, सोचिए अगर थ्रोएबल जो है ना एनिग्मा के पास, सात वाले घर में डालेंगे और दिक्कतें बहुत सारी बना सकते हैं। 7CB अलादीन घात लगाए बैठे हैं, मतलब 7CB इस फाइट का हिस्सा बनना चाहती है। इनसेन की आदि स्काइलेट से सोमराज को दिक्कत देते नजर आएंगे, प्लेयर्स वहां पर भी फिनिश किए जा सकते हैं और सोमराज को फिनिश भी किया जाएगा। अलादीन को डाउन किया जा चुका है एनिग्मा के रेक्स के द्वारा, अभी सारंग को डाउन करेंगे। टेक्निकली चार टीमें इन दो घरों के आसपास है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब अगर फाइट के अंदर आ चुके तो वेल फाइट करके ही जाएंगे, नहीं तो यहां से जाने का कोई तुक नहीं बनेगा इन खिलाड़ियों के लिए। तो यहां मैं समझ नहीं रहा, फाइट चालू किसी और के बीच में थी और फाइट में कुछ और ही चलता जा रहा है। अभी ने आप एक ग्रेनेड मारकर एक एडवांटेज ली, बट यहां पे एगी को खो चुके हैं एनिग्मा गैलेक्सी के। विक्सी गेटिंग वन मोर कंफर्मेशन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के नकुल गाड़ी फटने की वजह से थोड़ा सा यहां पे नॉक होते हुए देख रहे हैं, नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर देम। MJ, दे डोंट हैव मच स्पेस टू प्लेस, बिकॉज उनके पास एक घर है और उसका फर्स्ट फ्लोर ही है, ग्राउंड फ्लोर में कोई और टीम उनका इंतजार कर रही है, और दूसरे घर से यहां पर विंडोज का एरिया काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं वो। प्रिंस काफी कम HP, बट मोलोटॉव यहां पर काम करते हैं, मुझे लगता है यहां पे बच पाएंगे। MJ भी यहां पे नॉक होते हुए दिख रहे हैं, इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर एनिग्मा गैलेक्सी। और स्प्रे गॉड भाई पर मार्कस गेमिंग की कोशिश को खत्म कर देंगे। ये हो क्या रहा है यहां पर, ये पांचवी टीम होगी जो आसपास यहां पर स्पॉट करी गई है। मे बी गोस्टली आए थे इस फाइट में से,
पूरा शहद निकाल ले, बट यहाँ पर उनका खुद का कह सकते ना डब्बा बनता हुआ दिखा, एंड दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर देम। एनिग्मा, दे स्टार्टेड दिस फाइट बट अभी भी अच्छी खासी पोजीशन में टिके हुए हैं वो। एक ग्रेनेड बाहर की तरफ को गया और विक्सकी को डाउन करता नजर आएगा रोनिका। ये एक बहुत ही अलग हॉट प्रॉपर्टी बन चुके हैं जिसके अराउंड हर किसी को जगह चाहिए। एक और मोलोटॉव यहाँ पर जाता है नकुल का, निग्मा गैलेक्सी को और ज्यादा दिक्कतों के अंदर डालते हुए नकुल का वो जो मोलोटॉव था वो फिनिश करेगा। बट ड्रीम्स आगे ही चलते गए, उन्होंने रोनी को डाउन किया बट इट वॉज जस्ट नॉट इनफ। नकुल उनको डाउन करते नजर आए, एलिमिनेशन होना शुरू हो चुका है और जिसके अंदर सबसे पहला एलिमिनेशन आया है ग्लोबली स्पोर्ट्स का अपोलो। वो बिल्कुल सामने की तरफ थे, उस स्मोक में बैठे हुए उनके बिल्कुल से निग्मा के प्लेयर गए जरूर हैं, बट उनका एक भी शॉट नहीं लगा। दैट्स जस्ट समथिंग डिफरेंट। अभी भी देखिए इस जगह पर कोई कुछ भी हील करने के लिए नहीं है। ये स्मोक अगर खत्म हो गया तो शायद दिक्कतें हो सकती हैं। एनिग्मा वो इस चीज से अनजान है, इस चीज से अनजान है कि उनके घर में कोई और घात लगा के बैठा है। शायद थोड़े बहुत और स्मोक वो कर सकते हैं अगर उनके पास रहे, बट एनिग्मा दे जस्ट वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। ऑब्वियसली सर्कल आ रहा है, अपोलो तो कुछ नहीं करना चाहेंगे, वो अभी भी यहीं रहना चाहेंगे। जोन का डैमेज उनको पड़ना शुरू हो चुका। अगर प्लेयर उनके सामने नहीं आया, अगर आया तो डेस्परेशन में नॉक फिनिश करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आया तो शायद ये ब्लू जोन को डैमेज दे देंगे। मेरे हिसाब से उनको फट से जाकर उस क्रेट से थोड़ी सी फर्स्ट एड या कुछ तो ही लेना ही पड़ेगा यहाँ पर। आई विश उन्हें मिल जाएगा, कंपटीशन काफी ज्यादा मजेदार होगा। मेरे ख्याल से अभी ने यहाँ पे उनकी साउंड ले लिया है। एक गोली काफी रहेगी यहाँ पर अपोलो को उड़ाने के लिए। काफी देर तक चलाकी दिखा रहे थे बट आखिरी में उनको उस गोली से काम चलाना पड़ेगा। दो टीम अब यहाँ से बाहर निकलते हुए, ग्लोबली स्पोर्ट्स सिक्योर 3 points इन दिस गेम। वहीं पर निग्मा गैलेक्सी को भी 3 ही अंक मिलेंगे इस गेम के अंदर, जिसके अंदर पोजिशन पॉइंट जीरो है। सारे उन्होंने पॉइंट्स अपने फिनिश पॉइंट्स के बलबूते पे उठाए हैं। ग्लोबल ईस्पोर्ट वो द थर्ड टीम टू जॉइन दैट वॉर दैट पार्टी। अनफॉर्चुनेटली वो पहले निकलते हैं और निग्मा गैलेक्सी भी उनका साथ देंगे। निग्मा यहाँ पे टीम है निग्मा, दे गॉट नाइस फेवरेट, वो अभी तक अपनी जान भी बचा पाए हैं, 3 finishes भी निकाले हैं। बट शोर का अच्छा खासा कंट्रोल है यहाँ पर एक्जो के ऊपर और ब्लाइंड के शैडो 416 पे 4x लगाकर यहाँ पर उन पे ढेर सारी गोलियां दागने की कोशिश। काफी ज्यादा ओपन में खेल रहे एक्जो वाले, इनको खतरे में ला सकते हैं, थोड़ा तो ध्यान में रहना पड़ेगा। और वहीं पे आरी के कुछ प्लेयर, ये ओजी का एरिया, इस एरिया के अंदर आरी वाले क्या कर रहे हैं? एश ने उनको स्पॉट भी कर लिया है, वो वेयरहाउस के अंदर बगी लेके घूम रहे हैं यहाँ पर और मे बी अगले एक आइजल का कॉल का वेट कर रहे हैं। द मोमेंट आइजल सेट की रोटेशन कर रही है जा सकते हैं, बट इस वक्त हॉट प्रॉपर्टी कैन बी 12 पैक्स और द पेट्रोल पंप एरिया, बट वहां पर कुछ टीम्स है जैसे ओजी एंड कैमिनी स्पोर्ट्स। सर्कल की ये जो करवट है ना बहुत ज्यादा खराब रही है। एफएस इनसेन हर कोई गाड़ी लेकर के सीधा सर्कल के अंदर जाने की अभी के लिए कोशिश कर रहा है। गॉटलाइक की बात करी जाए, उनके दो खिलाड़ी खत्म हो चुके हैं, एक फिनिश उनके पास है। कैमिन के खिलाड़ी अच्छी अच्छी फाइट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट वो फाइट्स दे भी रहे हैं और रैंगुटैन भी इस ओपन एरिया के अंदर किसी को आते हुए देख करके फाइट्स निकाल सकती है। वो आदित्य बस वहीं पर है, बाकी सारे खिलाड़ी गाड़ियों के साथ आगे चले। बट मैक अब जाकर के बोला है आ रही है। ओआर के पास एक डिसेंट सा पोजीशन है सर्कल के अंदर अच्छे एरिया में, लेकिन बस एक ही चीज की दिक्कत, एक प्लेयर खो चुके हैं और 2-1 के स्प्लिट में है। अब मैंने दिन की शुरुआत में बोला था कि एक टीम जो सबसे ज्यादा नजदीक है ग्रैंड फाइनल क्वालिफिकेशन के, दैट टीम इज मार्कस गेमिंग। उनको टोटल 68-69 पॉइंट चाहिए अगर वो चाहते हैं क्वालिफिकेशन के अंदर अपनी जगह बनाना, वो भी ग्रैंड फाइनल्स के लिए। आज सुबह से 3 गेम हो चुके हैं, उनके पास मात्र 8-9 पॉइंट्स है टोटल 3 गेम्स के अंदर, जो कि बनाता है 3 गेम पर एवरेज। अगर उन्होंने इस गेम के अंदर 10 पॉइंट नहीं इकट्ठे करे देन आज का दिन बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा उनके लिए। सो अगर आज नहीं देन बाकी जो दो दिन होंगे यहाँ पर, वहां पर होंगे टोटल यहाँ पर 8 matches, प्रेशर उन पे बढ़ जाएगा। आई डोंट नो बट इस गेम के अंदर अब उनके पास ओके देन दे गॉट एलिमिनेटेड 2 पॉइंट इस गेम के अंदर। इसका मतलब आज के टोटल दिन की जो उनकी कमाई है पॉइंट्स में वो मात्र 10-11 पॉइंट्स है, जो कि मेरे हिसाब से उस लेवल की टीम के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं पड़ेगा। मुश्किलें तो देखिए बहुत ज़्यादा हुई हैं, बहुत ज़्यादा हुई हैं। और ये सिर्फ आज के जैसे आपने बोला यू नो, कल और परसों भी उनको पॉइंट्स उठाने ही पड़ेंगे तभी जाकर के वो क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन नहीं हुई तो वहीं पर टाटा गुड बाय हो जाता है। आरी स्पोर्ट्स के हीरो
किया है उन्होंने, उनके ऊपर शॉट डालने की कोशिश थी जस्टिन की, हालांकि उनके शॉट नहीं लगे बट जस्टिन के ऊपर एक शॉट जरूर लगा। टायर यहाँ पर बर्स्ट आउट हो चुका है, जस्टिन को समझ में आ गई कि गाड़ी सही तरीके से कवर में नहीं थी, बट यहाँ से आगे की तरफ को मूव उनको करना पड़ सकता है, नहीं तो मुश्किलें उनके लिए बन जाएंगी। अभी थोड़ा सा खुद को सेफ रखेंगे, बट एक्सो ऑलरेडी ये तैरते नजर आ रहे हैं, अब देखते हैं ये कहां पर जीवित होंगे। एक टाइम ऐसे ही था, एक सर्कल था जो ब्रिज के अराउंड मिला, जहां पर 8 बिट वर्सेस एक्सो देखने को मिला था, हाई ग्राउंड लो ग्राउंड, उसके अंदर भी यू नो ब्रिज के साइड साइड से प्लेयर्स आ रहे थे, हालांकि अब तैर करके आ रहे हैं और देखना ये है कि पोजीशन इनको कैसी मिलती है। मुझे ऐसा आई एम हैविंग दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यहाँ पे जो सर्कल है ओजी के कदमों में जाएगा अगला सर्कल, बिकॉज वो एरिया के टाइम मतलब ऐसे जो सर्कल होते हैं यहाँ पे करने के चांसेस रहते ही रहते हैं, बट आज के दिन का जो पहला एरेंगल था वहाँ पर सेवन सीज का बोल वाला था, और अभी अभी हाल ही में ही सेवन सी पहली एक और टीम बनी है जो सर्वर से एग्जिट लेते हुए दिखे, वही पैनिक मार्केट एक्स गेटिंग दैट फाइनल फ्रैग जो कि है स्कारलेट्स के वैक्सी। वैक्सी अकेले बचे थे स्कारलेट से, इससे पहले जब गॉर्डल वर्सेस स्कारलेट हुआ था वैक्सी वहां सर बच के निकल गए थे, बट अभी के लिए उनको गेम से जाना पड़ेगा। और अब हमारे पास बची हैं 11 टीमें, 37 प्लेयर, कुछ टीम जिनके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी एक्सो एंड गॉर्डल, उनके पास दो दो प्लेयर्स बचे हैं। एनिग्मा गेमिंग के पास अभी 4 पॉइंट्स और 2 प्लेयर्स, कुछ भी करके पोजिशन में फोकस करना पड़ेगा। जो हमारे अभी स्कोबो लीडर है गॉर्डल, दे हैव टू बी ऑन टॉप, बिकॉज अगर वो चाहते हैं कि पिछले वीक 2 वाला काम फिर से ना हो तो उनको एक अच्छा गेम यहाँ पे जरूर दिखाना है। बट कुछ टीम जिनके सबसे ज्यादा जरूरी है पॉइंट्स अगर उनको सर्वाइव करना है, दैट इज टीम एनिग्मा फॉरएवर, बिकॉज अभी वो 17वें पायदान पे ओवरऑल रेस के अंदर हर गेम उनके लिए सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अच्छी खबर ये है कि उनके पास मेरे ख्याल से 95 to 105 पॉइंट्स ओवरऑल पॉइंट्स, और वो आराम से टी एक्स को बीट कर सकते हैं। सो दे हैव टू बी चिल एंड धीरे धीरे बढ़ेंगे, काम हो जाएगा, कीप काम एंड उसके बाद बाकी जो या एग्जैक्टली मूव ऑन। बट अब देखते हैं कि जो ब्लाइंड के खिलाड़ी जा रहे हैं क्या इनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि जिस जगह पर आए वहीं पर मुश्किलें हो सकती है। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल काफी प्यारा किया गया था, रॉबिन का एक ग्रेनेड चलती गाड़ी से प्लेयर्स को उतारेगा ही उतारेगा, और अब आगे ब्लाइंड देखते ही देखते एक एक करके खिलाड़ी खत्म होते नजर आ रहे हैं। शैडो थोड़े से ओपन एरिया में थे जरूर, लेकिन वो अपने लिए एक कवर बना चुके, लेकिन शायद वो स्पॉट किए जा चुके, उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुका है। केमिन के खिलाड़ी एक के पीछे एक अभी के लिए बैठे हुए थे, ब्लाइंड ने देखते देखते अपने 3 खिलाड़ी खो दिए, इसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। डेल्टा पीजी जो आगे जा रहे हैं वो बनाना चाहते हैं प्रेशर, और प्रेशर भी ऐसा कि ब्लाइंड को एलिमिनेट करते जा रहे हैं। दिस वॉज अ वेरी क्विक वाइप, ऑल थैंक्स टू रॉबिन्स ग्रेनेड फॉर द स्टार्ट, और उसके बाद डेल्टा पीजी का रश। यहाँ पे IGL अगर ऐसा गेम प्ले दिखा देना तो दिल खुश हो जाता है। रॉबिन का नेट वॉज वेरी प्रिसाइज, वेरी इनपुट, और यहाँ पर अब ये देखिए एक नई फाइट हो सकती है। यहाँ पे आरी एंड एक्सो के बीच में टीम एनिग्मा फॉरएवर के ओवेस गए, सीधा गाड़ी पार्क करी और उसके बाद प्रोन करके होल्ड बैक कर लिया। बट इस पोजीशन के अंदर प्रॉब्लम इसलिए होगी कि ओवेस काफी ज्यादा ओपन में है, और यहाँ पे रॉबिन सा शॉट करे करे एक गोली शायद चूके यहाँ पर बच गए। वहीं पर एफएस के खिलाफ जॉनथन को नॉक कर देंगे, एक्सप्लिसिट भी नॉक होते हुए दिख रहे हैं इनसेन के, पर हम गेम से सीधा बाहर, और वहीं पे एश जैजी को कंप्लीट कर देंगे। ऑब्वियसली बात है सर्कल छोटा है, ढेर सारे प्लेयर है, फिर स्पीड तो भागना जायज भी यहाँ पर। रेक्सी अभी यूएमपी का स्पिन फायर दिखाते हुए एक यूपी को नॉक कर दिया, बट पीछे से एक और कवर पर आ रहा है, और जैसे मैंने बोला था एनिग्मा गेमिंग के पास काफी कम प्लेयर थे, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी इस गेम की अभी के लिए एग्जिट लेते हुए दिखेंगे। केमिन इज प्लेइंग विद फुल ब्रेन्स, ऑल्दो दे लॉस्ट वन प्लेयर इन द जर्नी, जस्टिन ने वहीं पे 420 को मारकर किया गेम से खत्म। उन्हें अभी ने एश को मारा, एनिग्मा भी एलिमिनेट हो जाएगी, और बहुत सारी टीम इस छोटे से स्पैन ऑफ टाइम के अंदर एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं। ये फिनिश स्पीड अभी भी आपको भागती नजर आ रही है, लेकिन एलिमिनेशंस का जो दौर है वो अभी भी चलता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं डेल्टा पीजी का ग्रेनेड जो था वो एक्सो के लिए एलिमिनेटर बना है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, वो ग्रेनेड पंक को खत्म किया है और उसके कारण हुआ एलिमिनेशन। K47 जो ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज हल्का सा उनके ऊपर आया जरूर। 17 यहाँ पर लोग हैं, 6 टीमें अभी भी बची नजर आ रही हैं, और रैंगुटैन उनकी कोशिश रहेगी अभी भी आगे जाने की। वहीं पर एक्सप्लिसिट को किया जाएगा डाउन वेस्ट गॉड के द्वारा, और रैंगुटैन एक अच्छा गेम निकालने की कोशिश रहेगी। बट केमिन की अगर बात करी जाए क्रैट, 11 फिनिश वो टीम ऑलरेडी लेकर के बैठी है, और नुकसान जो है वो है एक खिलाड़ी का। अभी अगर मैं जितनी भी टीम्स बची है सबके फिनिशेस भी ऐड कर लूं, केमिन के बराबर नहीं हो रहे, तो केमिन का बोल वाला तो चल रहा है। बुरी खबर यह है कि वो एक प्लेयर को खो चुके हैं, बट यस जिस हिसाब से खेल रहे हैं डेस्ट्रो का ना होना ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि टीम फिर भी हंट डाउन मोड के अंदर यहां पर आ चुकी है। 5 टीम 15 प्लेयर, FS मैन एडवांटेज में उनके पास 4 प्लेयर जिंदा, बट उनके पास एक ही फिनिश है। वहीं पे केमिन तो एक अलग ही रॉकेट रोल पे है, और इन टॉप उनके पास भी 3 प्लेयर बचे हैं, आरी के पास 3 प्लेयर बचे हैं, ओजी के पास 2 प्लेयर बचे हैं, बट उनके पास फिनिशेज अच्छे हैं, पॉइंट्स भी अच्छे मिलेंगे इस गेम के अंदर। ओजी कैन मेक अ रिमार्केबल डिफरेंस यहाँ पर, बट यहाँ पे हिटमैन ने शॉट्स अच्छे कनेक्ट करे, हीरो को डैमेज भी पड़ा काफी कम HP में, फाइनल मोमेंट के अंदर उन्होंने सर्कल की जगह बनाई। आदित्य गेटिंग दैट आई जेल फ्रॉम द केमिन, इस पर रॉबिन को कर दिया है नॉक। क्या ये एक नॉक
कुछ अलग आउटपुट निकालने पे मजबूर कर सकता है वहीं पे। जस्टिन ने स्मोक करा अपने प्लेयर को, अगला स्टेप होगा हील करना, स्मोक का एक्सपैंड होने का वेट कर रहे हैं, डेल्टा उनका कवर फायर मार्क डाउन कर रहे हैं, बट जो सर्कल है वो केविन को थोड़ा तो सांस लेने का मौका जरूर दे रहा है यहाँ पे। प्रहार दो अलग अलग जगहों से और एफएस इसके लिए तैयार ही नहीं थी। हिटमैन इज सर्वाइविंग बट क्या वो यहाँ पर अपने टीममेट को रिवाइव दे पाएंगे? चांसेस बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। एक स्मोक किया है सामने, बट ये जो ग्रेनेड्स जा रहे हैं ये बाउंस करवाए जा रहे हैं ताकि उनको लग रहा है खिलाड़ी वहीं पर हो कहीं पर तो वो टेक डाउन कर सके। ओआर पीछे से आ रही है, आर ईस्पोर्ट्स बिल्कुल सामने से प्रहार कर रही है और ओआर तैयार रहेगी वो भी अपने फिनिशर्स निकालने के लिए, बट एफएस वो अपने टीममेट को रिवाइव करते नजर आएंगे। आगे की फाइट लेनी जरूर है बट कितनी देर में, क्योंकि अब इनको इस जगह को होल्ड कर करके रखना पड़ेगा। थ्रोएबल्स किए गए हैं, हिटमैन का जो थ्रोएबल था वो बाउंस करके बिल्कुल पीछे की तरफ को आ गया, अभी भी कोशिश कर रहे हैं बट हिटमैन ये गाड़ी का जो ब्लास्ट हुआ ये इनको ही डैमेज दे गया। लाइक उनको जरूरत थी क्योंकि उनको भी मिलिट्री बेस का जो ब्रिज है वहां से थोड़ा सा कवर चाहिए था, उन्होंने गाड़ी को फोड़ा पर थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते तो इतना स्प्लैश डैमेज नहीं पड़ता उस गाड़ी का। बट अब केविन धीरे धीरे सर्कल में आने की कोशिश करेगी। नेड ने काम कर दिया यहाँ पर, हिटमैन को नॉक कर दिया, जो पहली चीज यहाँ पर केविन को चाहिए थी एक पोजिशन, और पोजिशन के लिए एफ एस और आरी दोनों का जाना इस गेम से बाहर सख्त जरूरत है यहाँ पर उनकी। अब ओजी के बाद दो प्लेयर बचे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो रिज है वहां पर, जो हिल है वहां पर ओआर एक अच्छी पोजिशन ले रखी है। बट ये देखिए आरू का नेड आता, ट्रिगर को नॉक कर दिया। विस्गॉड यहाँ पर सबसे पहला काम यही करेंगे, उनको रिवाइव देना है। आदित्य ने नेट को कर रखा है, वो आएंगे एज पर और यहाँ पर वो नेट फेंक की कोशिश तो करेंगे, बट क्या यहाँ पे कुछ और हो सकता है? पीछे से चलिए ओजी को कर दिया बाहर, बट वो खुद भी नॉक हो चुके हैं। वो आरू ने यहाँ पर अपने पैर को नॉक कर दिया। This might just be difficult, जिस तरीके से चल रहा है। इनफैक्ट कैनरी की बात करें, उनकी एच पी ऑल राइट को लगा जरूर लेंगे, लेकिन गलत दिशा में देखा है, गलत डायरेक्शन में देखा है और ऐसी के कारण उनका भी एलिमिनेशन होता नजर आएगा। केविन रिवाइवल की सख्त जरूरत, और This is a game that they need for themselves. FS, एक खिलाड़ी को रिवाइवल चाहिए, लेकिन OR का जो पोजीशन है, that is just so brilliant. But yes, हमारे प्लेयर्स क्या ढूंढ रहे हैं? चिकन डिनर, आपको क्या चाहिए? चिकन डिनर, डिनर आप चूज कर लेना, स्विगी आपको दे रहा है। QR कोड स्कैन करो और फटाक से अपने लिए फ्री डिनर इजी इजी इन कर लो। बट यस, अभी गेम देखे कैसे जा रहा है। OR के तीन प्लेयर बचे हैं, केविन के दो प्लेयर बचे थे, एक नॉक था उनको रिवाइव भी मिल चुका है, FS का एक प्लेयर है। बट FS का प्लेयर बहुत ज्यादा पीछे है यहाँ पर, उन्होंने अपने प्लेयर को रिवाइव भी दे दिया यहाँ पर, इसका मतलब दे आर ऑल सेट, दे कैन मेक अ कमबैक। बट ओशियन, द रियल डील इज कि ये सर्कल अब नेक्स्ट कहाँ कटने वाला है, कौन सातवां आठवां होगा, उसके बाद कोलैप्स होगा। अभी तक मौका है, बट जोन मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा काम कर देगा, सर्कल डेफिनेटली करेगा। बाकी ये थ्रोएबल जो हैं, जो जा रहे हैं, जो जेली के ऊपर एक रेड जोन बना रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। जेली की बात करें, अपने ऊपर स्मोक सुनर डाले जरूर है, उनकी एचपी कम हो चुकी है। केविन को अगर फाइट लेनी है अभी, उनको ये जगह बहुत प्यारी लग रही होगी, लेकिन अगर ये सर्कल जस्ट ऊपर की तरफ को चला गया तो केविन को जाना पड़ सकता है। रॉबिन आप देखिए बग्गी के पीछे बैठ करके थ्रोएबल्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहां से ऊपर का टीपीपी एंगल बहुत अच्छा मिल रहा है। दिस रीड इज ब्रिलियंट, बट ये रीड शायद जेली के लिए खराब हो जाए। एफएस और क्लच दो खिलाड़ी बचे, हमने बोला था कि जेली के लिए खराब हो जाएगी, वेल हो भी चुकी है। एफएस वर्सेस ओआर बहुत पहले भी फाइनल सर्कल्स के अंदर हुआ है, अब देखना पड़ेगा इस बार क्या किया जाता है। इनफैक्ट क्लच की बात करें, उन्होंने एक खिलाड़ी वो इनफैक्ट डाउन हो चुके हैं वहीं पर, ओआर के आरू कोशिश कर रहे हैं, बट डेल्टा पीजी जो है वो क्लच का वो फिनिश निकाल लेंगे, एक्सप्लिसिट को भी खत्म करते नजर आएंगे। डेल्टा पीजी का एक स्प्रे दो खिलाड़ियों के लिए प्रहारित और अब बचती है दो टीमें, 3v2 का सिचुएशन बन चुका है टेक्निकली। इनफैक्ट जेली को रिवाइवल शायद ना मिले, क्योंकि आदित्य के ऊपर अगर एक भी शॉट लगे दिक्कतें उनके लिए बन सकती है। डेल्टा पीजी आगे जा रहे हैं, केविन ये जीत सकती है, केविन ये जीतना चाहती है। 16 फिनिश है उनके पास, 17वां 18वां 19वां बिल्कुल सामने रहेगा और ये दो खिलाड़ी डाउन होना मतलब दिक्कत है। अब बचता है एक खिलाड़ी आरू, द मैन जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के अपनी टीम के साथ चलते हैं, उनकी कभी कभी पीठ दुख जाएगी टीम को कैरी करते हुए, लेकिन अब उनको ये 1v3 निकालना पड़ेगा अगर टीम को रखना है उस टॉप पोजीशन पे। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उनके पास कोई भी कवर नहीं है। टीपीपी के अंदर अगर एक कवर भी मिल जाए ना तो मैं सोच सकता हूँ आरू के पास वो सारा पोटेंशियल है कि वो ऐसी सिचुएशन में करके दिखा देंगे। बट जैसे जैसे केविन आगे बढ़ रही है, जोन का कंट्रोल उनके पास आ रहा है और जितना जोन उन्होंने कवर नहीं किया होगा ना वहीं पे आरू उनको मिलने वाले हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, अभी भी उनको एक अंदेशा लग रहा है कि शायद आखिरी प्लेयर उस बेल हाउस के अंदर हो सकता है। बट यहाँ पे स्पॉटिंग हुई डेल्टा पीजी, द फाइनेस्ट फ्लैगर पाथ गर्ल फ्रॉम द केविन, गेटिंग दैट चिकन डिनर, स्टीलिंग दैट चिकन डिनर फॉर टीम केविन ईस्पोर्ट्स। फैंटास्टिक गेम with such high finishes,
की पूरी लॉबी। आई थिंक कहीं ना कहीं केविन ईस्पोर्ट्स के रॉबिन जो थे डेफिनेटली डिजर्व करते हैं ये खिताब। 8 फिनिशेस निकाले हैं, 1203 का डैमेज डिश आउट किया और फिर भी हीलिंग सिर्फ 263। पूरी कप्तानी पारी खेल रखी है, मतलब आम तौर पे कहे तो इस बार सारे ओपोनेंट्स के धागे खोल दिए जिस तरीके से टीम केविन ईस्पोर्ट्स ने खेला। आई थिंक द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट था जब यू नो 12 पैक बिल्डिंग्स के अराउंड थे, ब्लाइंड का पुश आया था, रॉबिन का वो एक ग्रेनेड जाता है दो प्लेस को फिनिश कर देता है और यहाँ पे तो सिर्फ केविन ईस्पोर्ट्स के ही चर्चे चल रहे हैं। पंक और आरू ने एक कैमियो अपीयरेंस किया, पंक और आरू की जैसा आपने बोला है कैमियो अपीयरेंस, 3 प्लेयर्स के मिला के 18 फिनिशेस यहाँ पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज्यादा उम्दा शानदार परफॉर्मेंस केविन ईस्पोर्ट्स निकाला। आज बोल चुके हैं पहले गेम का, पहले रैंगल का दिन के गुस्सा था जो इस वक्त केविन ईस्पोर्ट्स ने सब पे निकाला, लेकिन इसके 2 प्लेयर्स नॉक्ड आउट थे जब वो ब्लाइंड वाली फाइट एंड हुई थी और उसके बाद में किसी तरह से रिकवर किया, रिकवर करते ही इंस्टेंटली ओआर के साथ फाइट छेड़ दी। देखिए जो पेट्रोल पंप वाला फाइट था यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था जहाँ आर ई स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स आगे फोकस थे जहाँ पे एफएस थी, एफएस के ऊपर नेट बरसाते रहे थे, हाँ थोड़ा रिजल्ट मिल रहा था तो उनको लगा कि और रिजल्ट मिल सकता है, उतने में केविन ई स्पोर्ट्स इधर रफ्तार में आ गए, नॉक तो करा था आर ई स्पोर्ट्स ने, बट जस्ट लाइक मिरामार जहाँ पे एससी को नॉक करके फिनिश नहीं कर पाया था आर ई स्पोर्ट्स, एग्जैक्टली सेम केस यहाँ पे भी हमें देखने को मिला। ब्लाइंड को अच्छे से निकाला था केविन ने, फिर उसके बाद टीम एनिग्मा फॉरएवर को सी शोर से, फिर उसके बाद में आर ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करने के बाद क्विकली रिकवरी, देन फिर नेक्स्ट पार्टी स्टार्ट, जल्दी था उनको कि ये मैच जल्दी खत्म करते हैं। बट फिक्सेस ये जो लालच है ये ग्रीड कई बार हानिकारक पड़ जाती है टीम्स को, क्योंकि जब दो प्लेयर्स आपके नॉकडाउन हो और आपको पता है कि ओ आर ई स्पोर्ट्स के पास एक क्लियर लाइन ऑफ फायर अवेलेबल हो जाएगा अगर वो थोड़ा और राइट हैंड साइड पे आ जाते, वो एक बहुत रिस्की मूव था केविन के लिए वहां पे फिर से रीएंगेज करना आर ई स्पोर्ट्स। देखिए वहां पे ऐसा सिचुएशन हो गया था कि एफएस ईस्पोर्ट्स भी साइड पे थी, ओजी के साथ ओआर ने बहुत प्यारे तरीके से डील किया, बट वो इंटायर जो वेयरहाउस है वो वेयरहाउस से वो गैस स्टेशन का जो सफर है वहाँ बहुत ज्यादा ओपन रहता है, एंड कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जस्टिन ने अकेले प्लेयर जीवित थे जिन्होंने क्लच आउट करा था, वो एक सिल्वर ओपनिंग थी यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ओआर ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स। आई थिंक ये एक रिकॉर्ड है हमारे इस बीजेएमआई मास्टर सीरीज का, 34 टोटल पॉइंट्स इन्होंने एक्युमुलेट किए इस मैच से। फिनिशेस की बात करें, फिनिशेस तो हमने इससे भी ज्यादा देखे हैं, बट इस वक्त पॉइंट्स जो यहाँ पे निकाल के गए केविन ईस्पोर्ट्स, आई थिंक ओवरऑल रैंकिंग्स में इनको एक अच्छा खासा जंप मिलने वाला है इनकी वजह से, बहुत ही ज्यादा, एंड यही उम्मीदें थी दस पोजीशंस की जंप केविन ईस्पोर्ट्स की टॉप 4 में स्टाइल में एंट्री मारी एफएक्सएस। जी हाँ, और एक ही मैच की जरूरत रहती थी, एंड गॉडलाइक हैज बीन टॉपल्ड ओवर अंश। देखिए गॉडलाइक थोड़ा ऊपर जा रही थी बट हाँ लास्ट मैच इतना अच्छा नहीं गया, स्पेशली फाइट थे स्काईलाइट गेमिंग के साथ लिया था इन्होंने, वहाँ पे कैजुअल ड्विथ 2-2 का स्प्लिट काइंड ऑफ वहाँ पे देखने को मिला, पीछे से कोई कवर फायर नहीं है, बट जो रैंकिंग में फेर बदल हुआ है ओरैंगुटन हाँ थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, केविन लास्ट मैच अच्छा खेले तो थोड़ा ऊपर वो भी जंप करे, बट पहले 3 मैच इतना खास नहीं था उनके लिए, बट लास्ट मैच ने रिकवरी कर दिया, फाइनल जा चुके हैं, फ्लो बन रहा है, हर एक प्लेयर लिटरली फिनिश निकाल रहे हैं, और क्या चाहिए आप। मगर आई थिंक चिंता का विषय रहेगा टीम एनिग्मा फॉरएवर और मार्कोस गेमिंग के लिए जो अभी ओवरऑल वीकली रैंकिंग्स में हमें काफी पीछे नजर आते हैं, और यहीं पे बात करें इनकी रोटो फिनाले रैंकिंग्स की भी, वहां पे भी थोड़ा सा दिक्कत इनको हो रही है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी फिलहाल नजर डालेंगे हम आउट परफॉर्मेंस ऑफ द डे के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्लेयर्स जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरीज के अंदर आज के दिन हाहाकार मचाया था। देखिए इस बार टीम एनिग्मा जिस तरीके से मिरामार के गेम के अंदर खेले हमेशा बिलीव करते कंसिस्टेंसी पे, उसके बलबूते पे रेक्स फाइनली चमकते हुए नजर आ रहे हैं। एनिग्मा गैलेक्सी की ड्रीम्स हमने हमेशा देखा है, एनिग्मा गैलेक्सी की ऐसी टीम है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहती है, आउट ऑफ सिलेबस कभी भी आ सकती है, हीलिंग बैटल डन एवरीथिंग अगर फिनिशेस की भी बात करें, बट ओ आर ई स्पोर्ट्स आई थिंक आज की वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स रही है, कंसिडरिंग एक चिकन भी आया और इस गेम में #2 लाए। आई मीन आई थिंक अंश और मैं भी आपकी इस बात से एग्री करेंगे कि ओ आर ई स्पोर्ट्स का आज का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज इम्पेकेबल, और दर्शकों को ये बता दूं कि जो रॉबिन थे केविन ई स्पोर्ट्स के उनके भी 8 फिनिशेस आए हैं बट उनका डैमेज थोड़ा सा कम था, तो इसलिए आउट परफॉर्मेंस ऑफ द डे में हमें रेक्स नजर आते हैं एनिग्मा गेमिंग की तरफ से। लेकिन अगर आपको याद हो कुछ देर पहले मेंशन किया था रोड टू फिनाले की रैंकिंग्स को, तो चलिए अब नजर डाल ही लेते हैं एक इंपॉर्टेंट रीडो बोर्ड के ऊपर जहां पे टीम एक्सो अभी तक विराजमान है, बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन उन्होंने अपने नाम करी हुई है काफी अच्छे से, उनके पीछे ओरैंगुटान हमें नजर आती है, लेकिन केविन ई स्पोर्ट्स इस गेम के साथ 2 पोजीशन का जंप और इन्होंने लगाया है, टीम सोल थोड़ा सा ड्रॉप इनका देखने को मिलता है ऑफकोर्स क्योंकि इस वीक खेल नहीं रहे हैं 8-bit एज वेल, लेकिन मजा असली आता है 9-16 पर, एंड यहां पे हमको देखने को मिलता है एनिग्मा गेमिंग का एक हल्का जंप ऑल टाइड अप विद ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स। एक्सपाक को देखिए 14th पोजीशन तक आ चुके हैं फिक्सेस ऑलमोस्ट 12।
जी हाँ जी, ये एक घबराने का विषय हो चुका है राइवलरी स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं। उनका तो सफर हम लोगों को पता है ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ चुका है। कल तक या परसों तक कोई ना कोई उनको टॉप अप कर देगा, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर 7C स्पोर्ट्स स्पेशली जिस तरीके से शुरुआत करी थी, उनके प्लेयर्स ने भी कहा था कि आज हम धूम मचाने वाले हैं, सारे गेम्स अच्छे खेलेंगे, बट उस हिसाब से नहीं जा पाया। मार्कस गेमिंग वापस से वही चीज, सुपर जॉनी मेरे साथ फिक्सेस है और यस हम आपके लिए लेकर आए आज के पूरे दिन के हाइलाइट्स। फिर से आपको एक बार बताएंगे कि दिन के अंदर हुआ क्या। वेल दिन के अंदर तो काफी सारे धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिले। यहाँ पे हम लोग को 7C का बहुत ही प्यारा रोटेशन देखने को मिला जॉनी।